नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आज क्लास 10th का साइंस का पेपर था और ये उसका कोड है 031/2/4 और ये है सेट नंबर। इसी की आंसर की मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आगे के पेपर की आंसर की आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपका आता है पहला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर टू का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन सेवन का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन एट की बात करते हैं, क्वेश्चन एट में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर। क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपका जो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्वेल्व का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट है 15 का। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 18 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 23 के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट 24 पे, 24 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 25 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 के बाद 27 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 के बाद 28 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 28 के बाद 29 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 में डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट है और 33 की बात करें, 33 में भी बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऑप्शन करेक्ट है 35 में। देन 36 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 37 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 38 के बाद 39 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 40 में भी, 40 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 में अगर देखे जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 42 देखते हैं, 42 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 के बाद 43 में चलते हैं, 43 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 43 के बाद 44 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 45 में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 45 के बाद 46 में भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 47 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 47 के बाद 48 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 48 के बाद 49 देखते हैं, 49 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 50 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 50 के बाद 51 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 51 के बाद आप चलते हैं 52 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 52 के बाद 53 में भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 53 के बाद चलते हैं नेक्स्ट में 54 में भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 55 में ए ऑप्शन करेक्ट है और 56 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 57 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 58 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 59 में बी ऑप्शन करेक्ट है और 60 क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।